नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। लोकसभा चुनाव पूरे पीक पर है और गर्मी पूरे उफान पर है। गर्मी कह रही है कि घर बैठे, लेकिन नेता चाह रहे हैं कि इस गर्मी में भी कोई ऐसा आदमी छूट ना जाए जहां तक हम पहुंच ना पाए। हालांकि सभी जगह ये नेता जो है नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन इनकी कोशिश है कि सारी जगह पहुंचे और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करें। बीजेपी ये चाह रही है कि दसों की दसों सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में एक बार फिर से दोबारा आए, लेकिन ऐसा मुश्किल जो है लग रहा है। सट्टा बाजार भी ये कह रहा है कि बीजेपी को इस बार बहुमत यानी कि 10 सीटें नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा की बात मैं कर रहा हूँ। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस पूरे जोश में है कि इस बार जो है उनका खाता हरियाणा में दोबारा खुलने जा रहा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस को भीतरघात का डर जो है वो सताने लगा है। मैं एक एक करके जो है बातचीत करने की कोशिश करूंगा, बात बताने की कोशिश करूंगा कि कहां क्या दिक्कत हो रही है। इससे पहले आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को शेयर भी करें और YouTube को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो जरूर करें ताकि हर खबर जो है आप तक पहुंच सके। सबसे बड़ी बात यह है कि हुड्डा का दबदबा हरियाणा में पूरी तरह है। SRK ग्रुप एक साइड और हुड्डा ग्रुप जो है एक साइड। हुड्डा अकेले जो है चल रहे हैं और उदयवान जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो हुड्डा गुट से जो है माने जाते हैं। और फिलहाल हुड्डा जो चाह रहे हैं वो हरियाणा में हो भी रहा है और दसों की दसों सीटें जो दी गई हैं, टिकटें दी गई हैं, वो भी हुड्डा के कहने पर ही दी गई हैं। कुमारी शैलजा के प्रचार में हुड्डा साहब नहीं पहुँच रहे और शैलजा जो है हुड्डा साहब के जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। करनाल लोकसभा की बात करेंगे। करनाल लोकसभा में एक बात निकलकर सामने आ रही थी कि डमी कैंडिडेट जो है कांग्रेस ने दिया है और जानबूझकर बीजेपी को यानी कि मनोहर लाल को जिताने की बात यहां पर सामने आ रही थी, इसलिए डमी कैंडिडेट की बात कर रहे थे। लेकिन दिव्यांशु बुद्धि राजा ने अपने दम पर इतनी मेहनत की, वो डमी वाला जो शब्द था वो डमी वाला शब्द जो है हटता हुआ नजर आ रहा है। दिव्यांशु बुद्धि राजा कड़ी टक्कर देने की यहां बात कर रहे हैं। और दूसरी बात करें मनोहर लाल की, मनोहर लाल भी पूरे जोश में जो है गांव तक पहुंच रहे हैं। उनका रोड शो जो है हर गांव में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत विरोध है, लेकिन विरोध के बावजूद जो है गांव में उनका स्वागत जो है पूरी तरह हो रहा है। वीरेंद्र मराठा की बात कर ले यहां पर, वीरेंद्र मराठा जो है समीकरण बिगाड़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। करनाल लोकसभा में उनका वर्चस्व जो है पूरी तरह कायम है और करनाल लोकसभा में शहरी सीट को छोड़ जाए, शहरी जो विधानसभा है उनको छोड़ के गांव में वो पूरी तरह सक्रिय हैं और वो समीकरण बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चौथे कैंडिडेट देवेंद्र कादियान की हम लोग बात कर लें, देवेंद्र कादियान जाट नेता हैं और वो भी कहीं ना कहीं इतने सक्रिय है, गाँव में उनकी भूमिका जो है वो काफ़ी नजर आ रही है। दिग्विजय, दुष्यंत चौटाला और कुछ और जो बड़े नेता हैं वो उनके पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इंद्रजीत जो बसपा से हैं वो बसपा के जितने नीचे वोट हैं, जो नीचे नीचे वोट हैं, जो सिख वोट हैं वो लेने की बात जो है कर रहे हैं, क्योंकि जट सिख हैं और वो उनकी कोशिश है कि सिखों का वोट जो है वो उनके खाते में चला जाए। यहाँ पर कांटे की टक्कर है और जो भी जीतेगा 50,000 लाख और 1.5 लाख यहाँ तक के वोटों तक वो अपनी जीत दर्ज कराने की कोशिश करेगा। लेकिन कांग्रेस पूरे दमखम में है और जो बीजेपी के लिए 6.5 लाख प्लस का जो आंकड़ा संजय भाटिया ने क्रोज किया था वो आंकड़ा यहाँ पर पहुँचता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है। 6.5 लाख जो वोट जीते थे अब वो मनोहर लाल उस कड़ी तक यानी कि उस वोटों तक नहीं पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की, कांग्रेस के बड़े नेताओं की उन नेताओं पर नजर है जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यानी कि जिनकी टिकट MP की टिकट जो है सांसद की टिकट है वो कट गई थी, अब वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन पर नजर है कि वो अच्छी तरह से उनके कैंडिडेट के लिए मेहनत कर रहे हैं या ऊपरी मन से वो दिखावा कर रहे हैं। दीपक बाबरिया कह भी चुके हैं कि उनकी नज़र जो है सारी लोकसभा पर है और कौन सा कैंडिडेट जो है असल में उन उम्मीदवारों की मदद कर रहा है जो मैदान में खड़े हैं, या सिर्फ जो है लोगों को दिखाने के लिए या पार्टी को दिखाने के लिए। ये फीडबैक जो है बार बार दीपक बाबरिया और प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उन तक
पहुंच भी रहा है। इधर हिसार की बात कर लें, जेपी का चुनाव प्रचार जो है बड़ी तेजी से जो है आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहां भी भीतरघात होने की संभावना जो है जताई जा रही है। कुमारी शैलजा वहां नहीं पहुंच रही, किरण चौधरी वहां नहीं पहुंच रही, और बड़े जो वीरेंद्र सिंह है, वीरेंद्र सिंह वहां पर पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे। कुमारी शैलजा के प्रचार में ये लोग नजर आएंगे आगे आने वाले समय में। हालांकि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, वहां पर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का नाम नहीं लिया गया। हालांकि किरण चौधरी ये कह चुकी है कि उनको राजनीतिक दबाव जो है उनके ऊपर इतना है, और उनकी राजनीति जो है पार्टी के बड़े नेता खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जो है ना तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में और ना ही रावदान सिंह जो भिवानी महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार हैं वो उनको फ़ोन करके बुलाते हैं, या पार्टी क्या जो ऑफिस है वहाँ से कोई फ़ोन आता है प्रचार करने के लिए। यानी कि डमी बिल्कुल जो है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को कर दिया गया है। कोई पूछताछ जो है ना पार्टी लेवल पर है, ना स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, और ना ही कोई उम्मीदवार जो है उनको लेकर आगे आ रहा है। तो उनका दुख जो है गाहे ब्याहे जो है आ जाता है, किरण चौधरी का मुँह पर आ जाता है। लेकिन उनके लिए एक चीज़ ये भी समझने वाली होगी कि अगर वो अपने दम पर उस उम्मीदवार की मदद नहीं करते तो उनके लिए आगे जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं टिकट मिलना जो है नामुमकिन हो जाएगा। तो वहां पर भी कोई नया चेहरा जो है आ सकता है। इसलिए बात कर ले, सिरसा की बात कर ले, कुमारी शैलजा जो है वहां पूरी तरह प्रचार जुटी हुई है। हालांकि वहां पर बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय जो नेता हैं, वो वहाँ पर रैली करने जा रहे हैं, अशोक तंवर के पक्ष में रैली करने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को वहाँ पर भी भीतरघात का जो डर है वो सता रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा पीछे मीडिया में। और हिसार की बात कर ली, इधर रावदान सिंह की बात कर लें, रावदान सिंह जो है बड़े नेता हैं और खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के माने जाते हैं, वो भी एसआरके से दूरी बनाकर रखे हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर अपना दम जो है लगा रहे हैं। गुड़गावा की बात कर ले, राज बब्बर का चुनाव प्रचार जो है वो जो है पूरी तरह उठने जिस हिसाब से उठना चाहिए था उस हिसाब से वो पूरी तरह उठ नहीं रहा। तो गुड़गावा में कांग्रेस को ये सीट गंवानी पड़ सकती है। गुड़गावा में आप ये समझ लें कि कैप्टन अजय यादव जो है नाराज चल रहे हैं, तो इसलिए राज बब्बर का चुनाव जो है उठ नहीं रहा, तो वहाँ पर ये सीट जो है कांग्रेस को गंवानी पड़ सकती है। और इधर बात कर लें सोनीपत की मोहनलाल बड़ोली और सतपाल ब्रह्मचारी में कांटे की टक्कर है यहाँ पर भी, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है दोनों पार्टियों में। तीसरी पार्टी को अब छोड़ दिया जाए, तीसरी पार्टी को कोई वहाँ चुनाव लड़ रही है तो, या कोई आजाद उम्मीदवार लड़ रहा है तो वो वोट ही खराब करेगा। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर यहाँ पर मानी जा रही है। और अंबाला की बात कर लें, वरुण मोलाना जो है बंतो कटारिया के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद जो है बंतो कटारिया के ऊपर वरुण मोलाना जो है हैवी होते हुए नजर आ रहे हैं। और बात कर लें कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र में जो है मुकाबला जो चल रहा है बीजेपी वर्सेस जो कांग्रेस और गठबंधन के उम्मीदवार हैं यानी कि आप पार्टी सुशील गुप्ता, इन दोनों में कांटे की टक्कर है। कुछ भी हो सकता है, जीत का मार्जिन ज़्यादा नहीं होगा, बीजेपी जीती तो 50,000 लाख की घेर में रहेगी, और दूसरा जो है सुशील गुप्ता के पक्ष में, क्योंकि बनिया समाज भी आ रहा है और बनिया समाज जो है जिंदल को भी जो है अपना समर्थन दे रहा है, तो वहाँ पर भी जो है कांटे की टक्कर हो रही है। और इधर करनाल में मैंने बता दिया कि त्रिकोणीय चौकोणीय जो है मुकाबला यहाँ पर चल रहा है, और जीत यहाँ पर भी ज़्यादातर होती हुई नज़र जो है बीजेपी के लिए बहुत बहुत मेहनत जो है बीजेपी को करनी पड़ रही है, क्योंकि चुनाव पीक पर है और कांग्रेस और जो एनसीपी के उम्मीदवार हैं उनका चुनाव भी बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ जो है नजर आ रहा है। इसके बाद अन्य जगहों की जो है बात कर ली जाए तो फरीदाबाद की बात की जाए, अवतार सिंह बड़ाणा ने कांग्रेस ज्वाइन की है, यानी कि महेंद्र प्रताप का वजन जो है बीजेपी के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कृष्ण पाल गुर्जर कई बार जो है वहाँ के सांसद रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो है वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। कृष्ण पाल गुर्जर का वहाँ पर विरोध जो है लगातार जारी है, तो वहाँ पर राव महेंद्र प्रताप सिंह का पलड़ा भारी होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। यानी कि टोटल मिलाकर अगर बात की जाए तो इस बार बीजेपी 10 की 10 सीटें जो है क्लीन स्वीप नहीं करने जा रही, कांग्रेस उसमें जो है रोड़ा बन रही है। 6 से 7 जो सीटें आज के डेट में हैं कांग्रेस के पक्ष में जा रही हैं, और 3 से 4 सीटें जो हैं, 3 सीटें जो हम कह सकते हैं बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे समय और नज़दीक आएगा स्टार प्रचारक जो है फील्ड में नजर आएंगे,
जो असली एनालिसिस होगा वो 23 या 24 तारीख को हम लोग आपको बताएंगे कि असल में जो है क्या होने जा रहा है। फिलहाल मोटा मोटा मैंने जो है वो आपको बता दिया, लेकिन कांग्रेस के लिए कांग्रेस के नेताओं के लिए खबर ये है कि अगर वो अपने उम्मीदवार का जो सांसद पद का उम्मीदवार है उसको अगर जो उन्होंने ना जिताया यानी कि भीतरघात उन्होंने की तो आगे आने वाले समय में उन्हें टिकट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, उनकी टिकट जो है कट भी सकती है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।